हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा मैं अपने गांव आया हुआ था चाचा जी और पीयूष के साथ में। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं वीडियो अपलोड करने के लिए आया हूँ। बारिश हो रही है, ठंड हो रही है काफ़ी, लेकिन मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहे बिल्कुल भी। तो अब देखते हैं किस तरह से क्या होगा। गाड़ी लेके जाऊँगा ऊपर कहीं किसी दुकान में, कैफे वगैरह में, अगर कहीं पर वाईफाई मिल जाए तो अपलोड करने के लिए। ऐसे ही करना पड़ेगा। बारिश कंटिन्यूसली हो रही है 24 घंटे से, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश मैंने आज तक लाइफ में कभी भी नहीं देखी। हमेशा ऐसा ही होता है जब भी मैं गाँव में आता हूँ, बस नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है और इस तरह से मैं सड़कों पे डोलता रहता हूँ सुबह सुबह दिन में वीडियो अपलोड करने के लिए। लेकिन आज तो ना बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा, ठंड लग रही है, दिक्कत ये है। बस देखते हैं, पूछता हूँ दादाजी से कि गाड़ी लेके जाऊँ। गाड़ी लेके जाना पड़ेगा कहीं ऊपर जहाँ पर नेटवर्क आए या फिर जहाँ पर वाईफाई हो, क्योंकि इस टाइम पर तो सिर्फ वीडियो अपलोड होना सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेरे लिए। आज तो बाहर रोड में कहीं भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो मैं घर में ही आ गया। फिर आप गाड़ी लेके जाएंगे कहीं ऊपर, देखते हैं नेटवर्क आते हैं तो अभी प्लान किया है कौसानी तक जाने का, यहाँ से अराउंड 6 किलोमीटर दूर। होपफुली वहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाए, और 8 बजने वाले हैं तो लेट ही आएगी वीडियो, सॉरी गाइस। तो अभी हम आए हैं भगवती पैलेस होटल में जहाँ हमने स्टे किया था। इनको भी आपने देखा होगा पहले मेरे ब्लॉग में, हाय। तो चाचा जी भी मेरे साथ में यहीं पे ही है और हमारी सुबह की कॉफी भी आ गई है। फिलहाल वीडियो अपलोड हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो रही है। तो फाइनली गाइज वीडियो अपलोड हो रही है, 87% हो चुकी है। तो यहाँ पे काफी मस्त नेट चल रहा है। मेरी वीडियो का टाइटल देखो FHH, जल्दी जल्दी में मैंने कुछ भी डाल दिया। तो गाइज फाइनली सारा काम हो चुका है, मैंने और भी सारे काम कर लिए बिकॉज वहाँ जाके तो नेट चलना नहीं है, नेटवर्क आने नहीं है, तो आज पूरा दिन बिना नेट के रहना है। तो सारे काम अभी कर लिए मैंने। इधर जाके देखते हैं, इस पहाड़ पे तो पूरा फॉग फॉग है साइड। ओप्पो, जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो ओप्पो से जरूर मिलते हैं। बाय ओप्पो। बारिश बढ़ती जा रही है, वीडियो बना रहे हो। मैं इनको मना कर रहा था फिर भी इन्होंने देखो परांठे बना दिए हमारे लिए। क्या यार पांडे जी, चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से ट्रीट करने के लिए। गाइज अगर आप भी यहाँ आते हो तो आप इनके पास स्टे कर सकते हो, कौसानी में भगवती पैलेस। तो यूँ भाग के जाता हूँ, बारिश हो रही है, जल्दी से गाड़ी पैक करता हूँ। बाय 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 बाय। तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ, मतलब काफ़ी बढ़िया लोग हैं। अगर आप कौसानी आओ तो मैं आपको मतलब कह सकता हूँ कि यहाँ पे आप मस्त स्टे कर सकते हो। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि मैं एक और वीडियो एडिट करता हूँ और शाम को दोबारा आता हूँ यहाँ पे अपलोड करने, ताकि मुझे कल सुबह ना आना पड़े। बाहर हो रही है तगड़ी वाली बारिश, लेकिन खतरा है, लैंडस्लाइड हो सकता है यहाँ पे बारिश में ना, इसलिए जल्दी निकल लो घर वापस। तो अभी घर पहुँच गए, गाड़ी देखो कहाँ लगाई है। ये देखो सही जुगाड़ मिल गया, ये जगह मिल गई रोड के बगल में, यहाँ पे लगा दी। यूजुअली वहाँ पे लगाते बट आज वहाँ पे ना दो गाड़ी ऑलरेडी खड़ी हैं तो आज नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ लगा दी। तो आज का दिन हमारा ऐसे स्टार्ट हुआ वीडियो अपलोड करने के स्ट्रगल के साथ। तो भी मैं घर पे आया और देखा मैंने इतना क्यूट सा सीन, पीयूष कुनाली को पढ़ा रहा है, लिटरली इतना क्यूट लग रहे हैं दोनों के दोनों। कुनाली क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? मंटू। काउंटिंग। आपको आवाज़ आ रही है कि बारिश की, यहाँ से 3 है ना यहाँ पे। चलो पढ़ाई करो, करो करो पढ़ाई करो, मतलब सुबह सुबह उठते ही पढ़ाई चल रही है इनकी। मेरे को भी तो आदत ही पढ़। अरे हाँ, इसको आदत है ना उठते ही ट्यूशन करने की, यहाँ इसको ट्यूशन दे रहा है। अच्छा बड़े तेज हो रहे हो, ये क्या चल रहा है, गोदी में बैठे कौन पढ़ाता है। फिलहाल मैं तो बस यहीं विंडो में बैठा हूँ और इनको देख रहा हूँ। बाहर हो रही काफ़ी तगड़ी वाली बारिश, बाहर जा नहीं सकते घूमने के लिए बिकॉज बारिश में ना लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, तो कहीं घूमने का प्लान नहीं है। नेट चल नहीं रहा, आज पूरा दिन बिना नेट के रहेंगे। पता नहीं आदत हो गई ना नेट चलाने की अब तो, कि मतलब बिना इंस्टाग्राम देखे पता नहीं कमेंट्स बिना पढ़े रहा ही जाता, और अब फोन में नेट नहीं है चल नहीं रहा, तो अजीब सा लग रहा है बहुत, बट कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है यहाँ। और आज वेदर पूरा दिन ऐसे रहने वाला है, पूरा दिन बारिश रहने वाली है, तो अब क्या व्लॉग बनाएंगे, बस ऐसे यहीं पे पड़े रहेंगे। और कैसे हो, बढ़िया, मौसम मस्त हो रहा है, बारिश। जियो का टावर ना वहाँ पे है जहाँ पे फॉग दिख रहा है ना, वो दूर वहाँ पे, तो ये कह रहा है कि फॉग की वजह से नेट नहीं चल रहा है। पीयूष तो अपना मस्त कुनाली के साथ खेल रहा है, उसको पढ़ा रहा है और फुल मस्ती कर रहा है। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इंटरनेट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, मतलब हम जैसे इन्फ्लुएंसर के लिए तो बहुत ज़्यादा, यूट्यूबर्स के लिए, बिकॉज प्रोजेक्ट पे बात कर रहा था मैं, वो सब नहीं हो पाएगी अब आज पूरा दिन, और किसी को पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आ गया हूँ बिकॉज ब्लॉग भी यहाँ के अब कल ही आएंगे। तो फिलहाल लंच करने के लिए चलते हैं। तो पेश है आपके सामने हमारी फेमस अम्मा। कैसे हो अम्मा, ठीक हो? ठीक हो। अम्मा ने हमारे लिए मस्त दाल चावल बनाया है, तो अभी चाची कुनाली को खाना खिला रही है, वो भी टीवी देखते देखते। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक और वीडियो अपलोड करने के लिए, मैंने कल वाली वीडियो भी एडिट कर ली है, तो अगर अभी अपलोड करके आऊँ कल मुझे सुबह नहीं जाना पड़ेगा, कल सुबह हम हल्द्वानी के लिए निकल लेंगे। फिर अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आप अपने चाचा चाची को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वो कैसे किस तरह से रह रहे हैं, तुम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा क्या, बताओ? सपोर्ट कर रहे हो फिर आप? कर रहा हूँ सपोर्ट, घर हुआ है, यहाँ भी घर हुआ है ना,
मैं तो हमेशा कहता हूँ कि चलो मेरे साथ चलो वहीं रहो। चलेंगे वहाँ भी जाएंगे, यहाँ ऐसा जरा काम हो रहा है। ये देखो बारिश के पानी से हाथ धोए जा रहे हैं। एक्चुअली बात यह है ना कि मैं चाहे कितना ही ग्रो कर लूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो अम्मा और मेरे दादाजी है ना, वो हमेशा ऐसे ही, उनको ऐसे ही रहना पसंद है जिस तरह से भी वो रह रहे हैं इस घर में और खेतों में काम करना। तो मैंने इतनी बार कह रखा है कि हम मेरे साथ आओ, क्या मैं क्या कर सकता हूँ जब वो खुश हैं। तो सबसे मेन चीज़ है कि वो खुश हैं, तो खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि अब किसी को कोई स्ट्रेस नहीं है, चाचा जी को पैसे कमाने का, या फिर अभी पीयूष और इसको पालना है, फैमिली को पालना है, तो उसका स्ट्रेस नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि लाइफ में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। 24 घंटे से बारिश हो रही है और 24 घंटे से गाड़ी मस्त धुल रही है, देखो बिल्कुल चमक गई है। इसीलिए अभी मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए, उसको सिक्योर करना चाहता हूँ। जब तक चल रहा तब तक तो करेंगे ही ना। तो अभी हम जा रहे थे और रास्ते में सडनली एकदम से नेटवर्क आए और मेरे को नोटिफिकेशन बजा व्हाट्सएप पे और मैंने देखा एकदम से नेटवर्क आ गए, तो मैंने वीडियो अपलोड पे लगा दी जो कि हो रही है। 27 मिनट दिखा रहा है, 15% हो गई है। तो फिलहाल मैंने गाड़ी यहीं रोक ली है, चाचा जी गए हैं बाहर कुछ सामान लेने के लिए, जहाँ नेटवर्क मिले वहीं रुक जाता हूँ मैं। तो यार आज के ब्लॉग में बस यही दिख रहा है वीडियो अपलोडिंग, बट क्या करे, रियलिटी यही है, हमको कहीं नहीं जाना पड़ा, यहीं पे बैठे बैठे हो गया। पता नहीं इस बारिश का क्या होगा, कंटिन्यूसली 24 घंटे से ज़्यादा हो गए बारिश। तो मस्त गर्मा गर्म छोले खाते हैं विद प्याज, छोले बहुत मस्त हो रहे थे गर्मा गर्म, मज़ा आ गया। अब चलते हैं घर। तो चलो आज चाचा जी से बात करते हैं, और तो कुछ है नहीं बनाने के लिए। चाचा जी आप बताओ, मतलब आपको कैसा लगता है इतना ग्रो कर गए, आपने जॉब छोड़ दी ना? हाँ, चाचा जी ने जॉब छोड़ दिया, वो जो जाते थे ना इतनी दूर पैदल, तो वो जॉब छोड़ दिया चाचा जी। अरे यार बारिश तेज हो रही है, क्योंकि इतनी दूर जाना पड़ता था जॉब करने के लिए पैदल, इतनी दूर, आपको आपने ब्लॉग में देखा होगा इतनी रात को आते थे जंगल में इतनी दूर जाके। अब हमारे साथ में वहीं पे आ जाएंगे, सारे साथ में रहेंगे। बाकी जो भी डिसीजन होते हैं ना, वो मैं खुद कभी भी नहीं लेता, वो सारे फैमिली वाले ही लेते हैं। घर बनाना है, ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया कि हाँ घर बनाना है, क्योंकि हम तो अभी बच्चे हैं यार, ग्रो करके सब्सक्राइबर बढ़ गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमको एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस तो अपने से बड़ों को ही होता है ना, पेरेंट्स को ही होता है ना, तो उन्हीं को पता है कि क्या सही है क्या गलत है इन चीज़ों के बारे में। इसलिए मैं इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ बस। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब से मैं गाँव में आया हूँ अभी, मैंने घर के अंदर ब्लॉग नहीं किया है, बिकॉज घर के अंदर अंधेरा सा होता है और कमरे भी उस टाइप से नहीं है कि ब्लॉगिंग हो सके, तो इसीलिए मैं घर में ब्लॉग नहीं कर रहा। बारिश नहीं रुकेगी आज के दिन, तो कुनाली के लिए तलवार धनुष और ये गदा ले आए। तो अभी फिलहाल अम्मा देख रही है हमारे ब्लॉग और टाइम देखो 5:30 हो चुके हैं, अंधेरा होने वाला है। तो अभी गाइस फिलहाल डिनर करते हैं, आलू गोभी दही एंड रोटी, कुनाली भी खा रहे हैं एंड पीयूष भी, कुनाली तो फ़ोन देखते देखते। तो अभी गाइस रात के 9:42 हो चुके हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, बारिश मतलब एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी है तब से। तो फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई थिंक कल जाना कैंसिल है बिकॉज बारिश हो रही है ना, तो बारिश में जा नहीं पाएंगे, बाकी देखते हैं कल। उठा क्या नाच कर रहे हो?